मेरे सारे पेशेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनप्रीत सिंह, कंसल्टेंट ग्लोबल आई हॉस्पिटल पटियाला से आज आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आपको अपनी आँख का ख्याल कैसे रखना है ऑपरेशन के बाद। सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन, जो कि आँखों का सबसे कॉमनली परफॉर्म्ड ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन की टेक्नोलॉजी आजकल इतनी इम्प्रूव हो गई है कि नॉर्मली ऑपरेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती और मैक्सिमम पेशेंट्स इसके आउटकम से बहुत ही खुश हैं, इसके रिजल्ट से बहुत ही खुश हैं। ऑपरेशन आजकल बिना इंजेक्शन के और ऑलमोस्ट पेनलेस है, सो पेशेंट को रिकवरी भी बहुत फास्ट हो जाती है और पेशेंट को दिखना भी बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। तो नॉर्मली जब आप ऑपरेशन करा के ऑपरेटिंग रूम से बाहर निकलते हैं तो आपको अपनी आँख में धुंधलापन दिखाई दे सकता है, जो कि एक या दो दिन तक या 5 से 7 दिन तक भी रह सकता है, क्योंकि अगर आपका मोतिया सख्त होगा तो आपकी आँख में धुंधलापन ज़्यादा दिन तक रहेगा। बट बाय द एंड ऑफ लाइक एक हफ्ते के आखिर तक ऑलमोस्ट सब मरीज़ अपनी कंप्लीट नज़र रिकवर कर लेते हैं। तो जैसे ही आप ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलेंगे, अगर आपको धुंधलापन दिखाई दे रहा है तो घबराना नहीं है, पहले आपकी आँख की सफाई की जाएगी, उसके बाद आपको सारा कुछ समझाया जाएगा कि आपको अपना ख्याल कैसे रखना है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले 2 हफ्ते तक आँख पे पानी नहीं लगाएं और आँख को मले नहीं। अगर आप आँख को मलेंगे, ये सारे जो ऑपरेशन होते हैं ये बिना सूचर्स के, बिना टांकों के होते हैं, तो जिस एंट्री पॉइंट से लेंस अंदर डाला जाता है, अगर आप रबिंग करेंगे तो उस एंट्री पॉइंट से आँख का फ्लूइड लीक कर सकता है और आपको इमरजेंसी में डॉक्टर के पास आना पड़ सकता है। तो इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप रबिंग ना करें और कोई भार वाली चीज़ नहीं उठाएँ। कोशिश कीजिए कि आपको छींके नहीं आए, ज़ोर से खांसी नहीं आए, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। आपको ऑपरेशन के बाद नॉर्मल है कुछ दिन तक धुंधला दिखाई देना या एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन, जिसे हम कहते हैं कि रड़क पड़ना आँख में, जैसे आँख में रेत पड़ गई हो ऐसे मीठी मीठी सी रड़क पड़ सकती है, आँख आपको लाल लग सकती है, आँख में से आपके 1 या 2 दिन तक पानी आ सकता है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो दवाइयों से ठीक हो जाती हैं। अगर आपने हेड वॉश भी लेना है या सिर भी धोना है तो सिर को पीछे करके किसी और की मदद लेके आपको सिर धोना पड़ेगा, ताकि आपकी आँख में शैम्पू या साबुन नहीं जाए। और भार वाला काम मत कीजिए जिससे आँखों पे जोर पड़े, और आपको ड्राइविंग नहीं करनी है जब तक आपकी नज़र साफ़ नहीं हो जाती। एक बार आपको साफ दिखाई देने लग जाए तो आप कार या प्रेफर करें एक 4-व्हीलर चलाना, ताकि आपको धूल मिट्टी से बचा रख सके। और ब्लैक गॉगल्स आपको पूरे 2 हफ्ते तक जरूर लगानी होती हैं, उसके बाद आप अपने डॉक्टर की सलाह से काले चश्मे को उतारना है या और लगा के रखना है, वो अपने डॉक्टर की सलाह से आगे उनसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही आपको स्विमिंग नहीं करनी है, 2-व्हीलर अवॉइड करना है शुरू में, है ना। और जबकि बहुत सारे मरीज़ ये करते हैं कि वो अंधेरे कमरे में बैठ जाते हैं, लाइट नहीं जलाते हैं, है ना, देखने से मना कर देते हैं कि टीवी नहीं देख सकते, मोबाइल नहीं देख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी नज़र साफ़ है तो आप टीवी भी देख सकते हैं, मोबाइल भी देख सकते हैं, सैर भी कर सकते हैं, आपको कमरे में अंधेरे में बंद होकर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइट आँखों को कोई दिक्कत नहीं देती, पहले 1 से 2 दिन तक लाइट आपको आँखों में तेज़ लग सकती है या चुभन डाल सकती है, तो वो 1-2 दिन मुश्किल से, अदरवाइज़ आपको बिल्कुल भी अंधेरे में बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना रूटीन में अपनी चाय खुद बना सकते हैं और वॉक पे जाइए, किसी ने पाठ करना है पाठ करिए, टीवी देखना है टीवी देखिए। तो ऐसे प्रिकॉशंस के अलावा, मतलब ये परहेज़ रखने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ जो परहेज़ हमने समझाए हैं, जैसे कि मोटे तौर पर आँखों को मलना नहीं है, आँखों पर पानी नहीं लगाना है, भार वाला काम नहीं करना है, इन चीज़ों के अलावा, और रबिंग नहीं करनी है, ये देखना है कि आंखों पे चोट नहीं लगे, तो इन चीज़ों के अलावा किसी और तरह की प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत नहीं होती। पेशेंट को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर पेशेंट की आंख की नज़र एकदम से कम हो गई ऑपरेशन के बाद, या लाली आ गई है आंख में, ज़्यादा रेड हो गई है आंख, या आंख से डिस्चार्ज निकलना शुरू हो गया है, या उसको बहुत तेज़ पेन हो रही है ऑपरेशन के बाद, तो एक बार अपने डॉक्टर से आप इमरजेंसी में, एकदम ज़रूरी है कि अर्जेंटली अपने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करके अपनी कंडीशन के बारे में ज़रूर पूछें। हर मरीज़ का सवाल होता है कि डॉक्टर साहब आई ड्रॉप्स कैसे डालने हैं।
तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने आई ड्रॉप्स डालते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और आई ड्रॉप्स डालने का तरीका क्या है। तो जब भी आप आई ड्रॉप डालें, पहले तो समझ लें कि डॉक्टर ने आपको क्या बताया है कि कौन सा आई ड्रॉप कितनी बार डालना है। हर दवाई डालने से पहले उसका लेबल पढ़ें, उसके बाद अपने हैंड्स वॉश करें, उसके बाद ड्रॉप्स की कैप खोलें और जो ड्रॉप है उसको डालने का एक पर्टिकुलर तरीका है। पेशेंट का सिर पीछे की तरफ होना चाहिए और उसकी नीचे की पलक को पकड़ के आपने थोड़ा खींच लेना है और जो पॉकेट है ऊपर से आपने ड्रॉपर से एक ड्रॉप उस पॉकेट में डाल देना है आँख के अंदर और आँख बंद कर लेनी है मरीज़ ने लगभग 30 सेकंड के लिए। तो 30 सेकंड के लिए आँख बंद रखनी है ताकि दवाई अपना असर कर सके। जो मेडिसिंस डालनी होती हैं, आई ड्रॉप्स डालने होते हैं, मोस्ट ऑफ़ द टाइम उसका एक ही ड्रॉप सफिशिएंट होता है आँख में जाने के लिए। तो अगर आप एक से ज़्यादा ड्रॉप डाल रहे हैं तो वेस्ट कर रहे हैं। पेशेंट बहुत सारे खुद भी डालने लग जाते हैं ड्रॉप्स, बट जब खुद डालते हैं तो ये डर रहता है कि आई ड्रॉप की जो नोज़ल होती है वो आँख पे या आई लैशेज पे टच ना हो जाए या वो आँख के अंदर लग ना जाए। तो बेटर है कि असिस्टेंट को बोलें वो ड्रॉप्स डालें। और ड्रॉप्स डालने के बाद इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आई ड्रॉप की टिप या नोज़ल होती है वो उसी वक्त बंद कर देनी है ताकि उस पर गंदे हाथ ना लग जाएं। तो आई ड्रॉप्स खोलना है, आँख में डालना है और उसको कैप लगा के प्रॉपरली बंद करना है। और जब दूसरा आई ड्रॉप डालना है तो दोनों आई ड्रॉप्स के बीच में 2 से 3 मिनट का फ़र्क रखना है। हर आई ड्रॉप डालने के बाद 30 सेकंड तक आंखें बंद रखनी हैं। उसके बाद आप एक साफ़ टिश्यू लेके आई ड्रॉप्स जो बाहर है उसको दूर से साफ़ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, बट आंख के ऊपर से किसी भी कपड़े से रब नहीं करना है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी किसी को प्रिकॉशंस पूछनी है या किसी के मन में कोई सवाल आता है तो जो हमारे ये नंबर्स दे रखे हैं ग्लोबल आई हॉस्पिटल के, इन पे आप किसी भी नंबर पे फ़ोन करके या डॉक्टर साहब के नंबर पे डायरेक्ट फ़ोन करके आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में पूछ सकते हैं।